प्यारे बच्चों और आदरणीय शिक्षकों, आप सबको हमारा नमस्कार। अब आप एक नाटक देखने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है शिक्षा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। यह नाटक शिक्षकों के लिए और बच्चों के माता पिता के लिए कई संदेश लेकर आया है। आइए देखिए नाटक शिक्षा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। टी बैग साहब की एक चाय, खाली दूध, चीनी कम, तेज पत्ती। अभी लाए। लुटियाराम जी, साहब आ गए क्या? और नहीं तो चाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब की कुर्सी को सुंघाने के लिए बोल लिया। हमें सिर्फ एक मिनट लगेगा, बच्चे का टीसी साइन कराना है। मेरा नाम निर्मला है, मैं चौबा गाँव में प्राथमिक पाठशाला की टीचर हूँ। मुझे तबादले के बाद आपको कहिए, मैं गुड़गांव पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, जरूरी मिलना है। और हम सराय अलावर्ती के समाज सेविका हैं, इनसे पहले हम राह में बैठे हैं। ओ कुछ चाप पानी तो पीने लो साहब ने, बैठो। हाँ मैडम जी, आप पहले आए थे, एक काम पड़ गया साहब से। मुझे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की रचना के बारे में साहब से सलाह करनी है। तो इसमें डीओ साहब ने क्या करना है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में तो मेरे से पूछ लो। अच्छा दाना टी बैग, अरे ओ फोटोकॉपी, ओ ले आ भाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की फोटोकॉपी। अभी लाया। और तू भी ले आ एफिडेविट, हम अपना कानून कविता गाकर सुनावेंगे। स्कूल प्रबंध की समिति में निज स्वार्थ की हवा बिना संकल्प हो, प्रयास हो, उत्कृष्ट शिक्षा धर्म का, समिति के नगर पालिका के स्तंभ, 10 सदस्य छात्रों के माँ बाप या अभिभावक गण, न्यूनतम इनमें से एक निर्धन और एक अनुसूचित। संस्कार विधायक समिति करे पथ प्रदर्शन, अध्यक्ष प्रधानाचार्य के। जब मिले उचित बैग की बात हो, ये बैग की चाय गरम,
और आपको शिक्षिका जी ये पूछना है साहब से। अरे भैया मेरा तबादला सेक्शन 27 के अंतर्गत गुड़गावा से बाहर हो गया। मेरे स्कूल में 150 बच्चे और मैं एक अकेली शिक्षिका। मेरे भाग तुम बच्चों का क्या होगा? और आपको टीसी साइन कराना है, स्कूल में दाखिला कराना है। और आपने? मैं पूछना चाहती हूँ कि आरटी के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की कन्याओं को स्कूल में दाखिला दिलवाने के लिए समाज सेवी संस्था को कितना अनुदान मिलेगा? और आपको? राम राम राम, नमूना दिखाना है। सो तो दिख रहा है भाई। कितने साल की हो तुम? हो गए होंगे 10 से 12 वर्ष। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? ना जी, के करना है सरकारी स्कूल जाती थी मैं पहले, कोई शिक्षक ही ना करता पढ़ाने को। पांचवी में थी और तू जी की किताब समझ में ना आती जी, मैंने स्कूल जाना जी छोड़ दिया। और वो बैठी मेरी बहन 10वीं पास है सरकारी स्कूल में से, चाय बनावे ढाबे पे, बेचना ना आता उसने तो हिसाब के करेगी वो। ओहो, कैसी हो मैडम पोचर जी? हम तो ठीक है, पर आपका लड़का क्या हुआ जी? उसने फिर कोई गलती की हो तो मैं माफी मांगू जी। अरे आओ लुटिया राम, वो मैंने चंडीगढ़ से एक शिक्षिका के बदली के ऑर्डर मंगवाए थे, आ गए हैं क्या? नहीं, अरे क्या नाम है उसका, निर्मला। अरे गुड़गांव से मेवात भी तो भिजवाया है, आए क्या? नहीं कहा जी, किसकी जी? सुन लिया, अब इसमें डीओ साहब क्या कर भी कुछ ना कर सके। अब आप तो किसी एमपी या मिनिस्टर की और लो जी, अजी आपने डीओ साहब से किसी की बात हो गई है? हाँ जी हो गई है। तो लाओ जी, सेल हो गए समझो। ये बच्चे के कागजात और ये साहब के लिए आपको ही दे दूं। तो और किसने देगा? भुग्गी कोई लगाए मोहतम बनने लगा रही है। ये लुटिया राम जी का सवाल कुछ समझ में नहीं आया। एक तरफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए इतने उच्च विचार और एक तरफ रिश्वत का आग्रह है। अरे वो जैसो अफसर वैसो लश्कर। ऐसो ना है, जैसो अफसर वैसो अफसर। टेम के हिसाब से मेरे बाप ने नाम रखा जी लुटिया राम। अरे वो फोटो कॉपी, ओ जल्दी आ, आ गया तेरा आटी। बड़े दिनों से बाढ़ देख रहा था, आटी लगे धंधा गरम हो। कितने कर दूं? कर दे कि 10-20 हजार कापिया तब स्कूलों में भेजनी है। साहब कहते हैं लुटिया रंगूना पहले तू देख ले, तो दिखाओ जी। हवलदार साहब जरा लाना उसको। राम राम राम। स्कूल में जमा करा, अब ले चार्ज ये करू अंदर। वो कौन सी दवा बताई थी साहब ने? राम 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 राम, कैसे बत्ती कर लू जी से? नाम तक तो बोलने की स्थापना, देखो देखो बदतमीज। ना कोई उम्र का सर्टिफिकेट, ना टीसी, ना आता पता, ना कोई माँ बाप, अभिभावक भी साथ में नहीं। 12-13 साल का लड़का है,
किस क्लास में भर्ती करेगा कोई इसको? जब बात करो भेड़े की तरह चिल्लाता है आऊ ना। कुछ ना बता भाई, स्कूल में तो भर्ती करना पड़ा। वो स्कूल में कैसे भर्ती ले लेगी? दूसरे विभावक एहसास ना उठावेंगे। कौन पढ़ाएगा अपने बच्चे में जंगली के साथ? मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। और मैं अपने बच्चे ने इंजीनियर। पूछो जी अपने डीवे सावड़ है तो रपट लिखेगी। फिर ना कहना अजमलाल हवलदार ने कानून हाथ में ले लियो। अरे कौन बंदर सा देखण दियो। शुक्र है भाई शुक्र है, 2 मिनट की खातर तो मैं भी चकमा खा गयो। कदम मेरो इतना है ना है भाई, ना यू मेरे सुनाओ क्षेत्र को, यो तो माइगर लेव को लग गया। ओ लुटिया राम इसको निकाल काटनो है तो भाई माइगर लेव का काट दे भाई, भर्ती करनो है। अजम लाल सुन ले कान खोल के भाई, घर ने खबर करना चाहिए। उद्घाटन करना जाऊंगा इसे स्कूल में भर्ती तो करनी ही पड़ेगी। वैसे भी सरकारी स्कूल में ऐसे ही बच्चे तो पढ़ते हैं। साहब कहते हैं जी अब तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर साहब ने मिलो, स्कूल में दाखिले का काम उनका है, वो फाइल भेजेंगे तो उस पे साहब विचार करेंगे। ठीक है तो वो ब्लॉक एजु उसने क्या के बालक को चार ले वो तो रिपोर्ट लिखेगी। डीओ साहब कहते हैं इसने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पास ले जाओ। राम राम राम, कमेटी ने ही तो डीओ साहब से मिलने की सलाह दी है, हम अपनी समस्या का समाधान लाने ही तो आपके पास आए हैं। रे तू इधर का करता धरता लाग गया, ले ले बाड़क ना चार्ज में, नहीं तो तन्ने धर लूंगा। मन्ने क्यों धर लोगे हवलदार साहब, अभी बुलाता हूँ जो सारे कानून जानने हैं। और ओ एफिडेविट ओ जल्दी आ, समझा इन्ने की क्या कहता है तेरा आटी भाई, जो उसमें लिखा होगा वही तो कानून है। हाय हाय भला हो इस आटी का, हमारा तो काम धंधा ही बंद हो गया है, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए ना कोई उम्र का सबूत, बिना किसी उम्र के सबूत के या पते के एफिडेविट के या टीसी के स्कूल में दाखिला अच्छी खासी कमीशन बन जाती थी। क्या बात है, साहब ने बुलाया है क्या? साहब ने ना बुलाया, यो बालक देख इसको स्कूल में भर्ती करना है, आरटी पढ़ के हवलदार ने बता दे। ये बालक आप सबको कितनी उम्र का लगता है? तो 6 से 14 वर्ष के हर बालक को मौलिक शिक्षा पाने का अधिकार है। पर इस बच्चे की फीस कौन भरेगा? मौलिक शिक्षा यानी कक्षा 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। कौन मानेगा जी, ये 10 से 12 वर्ष का है, नाम तक तो बोल नहीं सकता ये। और उम्र के हिसाब से 6ठी या 7वीं में होना चाहिए। बच्चे को उम्र के लायक उचित कक्षा में भर्ती किया जाएगा और बच्चे को समकक्ष आने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। बस अब तो तय हो गयो, कौन पढ़ाएगा जी इसे समकक्ष लाने के लिए? लुटिया राम जी साहब से कहो इसका फैसला करे, वहां स्कूल में तो कोई शिक्षक राजी नहीं है। डंडा साहब कहते हैं इसको पब्लिक स्कूल में भर्ती कर दो, कुछ लिखा है उसमें पब्लिक स्कूल के दायित्व पे। पब्लिक स्कूलों को पड़ोस विद्यालय के दायरे में लिया जाएगा और पहली कक्षा में 25% कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। हम नहीं लेंगे ऐसे छात्र को। वैसे भी आरटी में स्पष्ट लिखा है उम्र के हिसाब से इसे 7वीं में भर्ती करवाना चाहिए, पहली में नहीं। और हम अपने क्वार्टर का 25% नॉन फॉर्मल सेक्शन में ले चुके हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। देखिए प्रिंसिपल महोदय जी, यदि आप इसे ले लेंगी तो इस बालक की जिंदगी बन जाएगी, तब फिर समाज की जिम्मेवारी बनती है कि देश के उत्थान के लिए सरकार की मदद करे। इसलिए तो पब्लिक स्कूलों को सस्ते दामों में जमीनें मुहैया करवाई है। तो आप ही ले जाइए ना इसे, वैसे भी सरकार से लाखों रुपए की ग्रांट लेते हैं ये एनजीओ, बच्चों को दाखिला दिलाने की ग्रांट, आंकड़े इकट्ठे करने की ग्रांट, रोजगार दिलाने की ग्रांट,
भर्ती लेना पड़ेगा। राम 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 राम, ये अच्छा है, सब मुकर जाए अपनी जिम्मेदारी से, सरकारी स्कूल खुले रहने चाहिए, ना कोई उम्र का सर्टिफिकेट, ना टीसी, ना आता पता, हम तो इसके दाखिले की परीक्षा लेंगे बस। आरटी में दाखिला संबंधी सभी बाधाओं से मुक्ति का नियम है, दस्तावेजों से, दाखिला तिथि की समय सीमा से और किसी भी तरह की परीक्षा से, और तो मौलिक शिक्षा के दौरान बोर्ड की परीक्षाओं से छात्रों की मुक्ति। परीक्षा तो आपकी होगी जी, मासिक क्रियाकलाप द्वारा आप शिक्षा को कैसे दुचस्त बनाते हैं, कक्षा में नैतिक पाठ और क्रियाओं द्वारा। पर इस बच्चे की फीस ना सही, और बहुत खर्चे शिक्षा के, किताबें, यूनिफॉर्म, परीक्षा शुल्क, छात्र अभिभावक निधि, स्कूल आने जाने का खर्च, दान अनुदान, सबसे मुक्ति, आरटी के अंतर्गत शिक्षा अनिवार्य और बिल्कुल मुफ्त, इन सब का भुगतान सरकार करेगी। अब आप ही सोचिए, मुफ्त में भी कोई चीज मिलती है आजकल, मुफ्त शिक्षा की गुणवत्ता कैसी होगी कोई भी सोच सकता है। छात्रों के बैठने तक के तो कमरे होते नहीं है सरकारी स्कूलों में। शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसमें लिखा गया है कि स्कूल में सुविधाओं का विस्तार करना अनिवार्य है, खुले हवादार कमरे, शुद्ध पीने का पानी, समुचित शौचालय, सुविधापूर्ण खेल के मैदान, छात्रों की सुरक्षा के लिए समुचित 4 दीवारी, पुस्तकालय और प्रयोगशाला, इन सब का प्रबंध भी सरकार करेगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे बच्चे के लिए, अनपढ़ गवार, ना जाने किस प्रांत किस धर्म जाति का है ये, ऐसे मानसिक विकलांग बच्चे तो स्कूल के लायक ही नहीं है। जाति, धर्म, समुदाय, वर्ण, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिंग वगैरह के भेदभाव से पूर्ण मुक्ति और छात्र को बराबर समझा जाएगा। और विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए समेकित शिक्षा, विशेष पठन पाठन सामग्री, बाधा रहित वातावरण, मुक्त यातायात की व्यवस्था। ये नाम से तेरा एफिडेविट? हाँ भाई, जो भी है मृतक कानून पढ़कर बता के बालक को चार्ज कौन ले वो? भाई पारी कौन है? हवलदार साहब, शिक्षा का चार्ज तो इन सरजी को ही लेना पड़ेगा, और सारी शिक्षा प्रणाली को। ठीक है, 2 दिन में बाहर निकाल दूंगा, और क्या। ना जी सर जी, ऐसा ना करना, और छात्र की एक विशेष संख्या होगी और 14 वर्ष तक के छात्रों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, स्कूल छोड़ने के कारणों का विस्तृत ब्यौरा देना होगा, अब माइग्रेंट लेबर के नाम पे नहीं चलेगा। चलो शिक्षा हम दे देंगे, पर ये रहेगा कहाँ, कौन रखेगा इस बंदर को? हाँ बताओ, अब करना बात, दिखाओ कानून। इतना बोला है, थोड़ा शरारती है, पर बच्चा है, ये मेरे पास रहेगा, आप इसे शिक्षा दो बस। और अब इस बंदर को नियंत्रण करने के लिए ये लो जी हवलदार साहब का डंडा। राम राम राम, इसकी हमें आवश्यकता नहीं, ये तो हमारे हर शिक्षक के पास होता है। खबरदार किसी ने इसका प्रयोग किया, सीधा अंदर कर दूंगा, ये बच्चे हमारे है। यही बात तो सरकारी शिक्षा प्रणाली ने समझनी है। आप ही बताओ, कितने सरकारी शिक्षक, अधिकारियों और शिक्षकों के अपने बच्चे सरकार